पश्चिम बंगाल में डेयरी उद्योग को भारी नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के बीच शर्तों के साथ मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। सरकार ने तय किया है कि राज्य में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे यानी 4 घंटे के लिए मिठाई की दुकानें खोली जा सकेंगी, जिसका कोलकाता में असर भी दिखा। लॉकडाउन की वजह से बंद मिठाई की दुकानें शर्तों के मुताबिक दोपहर 12 बजे खोली गईं। लोगों को मामूली राहत देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से मिठाई की दुकानों को 12 से लेकर के 4 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। कई दुकानों में ग्राहकों की भीड़ नजर आई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन करते दिखे। इसके अलावा सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद ही लोगों को दुकानों में जाने दिया गया। फिलहाल ममता सरकार ने रोजाना 4 घंटे ही मिठाई की दुकानों को खोले रखने की इजाजत दी है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना से लड़ाई में जरूरी होने पर यह छूट भी खत्म की जा सकती है। यूपी के आगरा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 89 लोगों को एक होटल में क्वारंटीन कर दिया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को खबर लगी तबलीगी जमात से जुड़े 89 लोग आगरा से निकलने की फिराक में हैं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी को पकड़ा और एक होटल में ले गई, जहां सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। बताया गया कि होटल से इस जमात के कुछ लोगों ने भागने की भी कोशिश की। इसके बाद वहां और बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई।